तो दोस्तों फाइनली 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 अमेज़न प्राइम ने वो जानकारी सार्वजनिक कर दी है जिसका इंतजार मिर्जापुर के दीवाने बहुत ही बेताबी से कर रहे थे, ये सवाल पूछते हुए कि भाई मिर्जापुर के अगले सीजन में हमें क्या कहानी देखने को मिलेगी। तो भैया इन सभी सवालों का जवाब अमेज़न प्राइम ने इस वेब सीरीज के एक शानदार टीजर के माध्यम से दे दिया है कि भाई बहुत जल्दी ही आप मिर्जापुर के अगले पार्ट को देख सकते हो, यानी कि सीजन 3 को देख सकते हो अगले महीने की 5 तारीख को। तो भाई कैसा है मिर्जापुर के सीजन 3 का ये टीजर और इस टीजर के माध्यम से क्या कहानी हमें बताने की कोशिश की जा रही है, चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों एक बलवान शेर और एक चुस्त शेरनी की जोड़ी जब जंगल में हड़कंप मचाएगी तो क्या होगा, जंगल में बवाल होगा ना। तो भाई जब मिर्जापुर के टीजर को रखा गया ना तो भैया शेरनी और शेर की कहानी को दिखाते हुए उनके प्यार को बताते हुए ये बात बताने की कोशिश की गई है कि भाई मिर्जापुर के जंगल पे ना अब इसी युवा जोड़ी का अधिपत्य हो गया है, यानी कि भाई मिर्जापुर के असली शेर यानी कि हमारे क्या बोले भैया कालीन भैया जब से पिछड़े हैं उसके बाद से ही गुड्डू भैया जो है वो इस पर कब्जा कर चुके हैं। आपको याद ही होगा कि जब मिर्जापुर का सीजन 2 आया था तो उसमें उन्होंने ये बात देखी थी कि क्लाइमेक्स में एक जबरदस्त युद्ध हुआ था गुड्डू भैया और कालीन भैया के गैंग के बीच में, और जब ये मुकाबला हुआ था तो उसमें गुड्डू भैया के गैंग ने पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया था कालीन भैया के गैंग को, यानी कि भैया मुन्ना त्रिपाठी जो है वो घायल हो गए हैं या फिर मर चुके हैं उसकी जानकारी तो किसी को नहीं दी गई है इस टीजर में, लेकिन भाई घायल शेर कालीन भैया को लेकर ये जानकारी दी गई है कि भाई जब देखिए ऐसा है कि खरगोश घबराने लगे, गीदर भभकिया देने लगे और घड़ियाल घड़ियाली आंसू बहाने लगे तो आप समझ लो कि घायल शेर की वापसी हो रही है। और भाई जब घायल शेर की वापसी होगी तो जंगल में हड़कंप मचेगा ना, जंगली बिल्लियां अपने हिस्से की रोटी झपट कर भागने की तैयारी में लगेंगे ना भैया, भूखे भेड़िए और चालाक और चतुर शियार जो हैं वो अपना चाल चलेंगे ना, और भैया जो चुस्त दुरुस्त चीते जो हैं वो अपना हक मांगने के लिए आएंगे ना, किसके पास, कालीन भैया के पास। तो भैया इस फिल्म के टीजर को दिखाकर इस वेब सीरीज के टीजर को दिखाकर ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि इस बार की कहानी काफी जटिल होने वाली है, यानी कि भैया इस बार के सीजन में गुड्डू भैया की तरफ कौन होगा और कालीन भैया की तरफ कौन होगा, आप इस बात का आकलन इस वेब सीरीज के टीजर के माध्यम से नहीं लगा सकते हो, लेकिन भैया कालीन भैया को जिस अवतार में दिखाने की कोशिश की जा रही है इस बार के सीजन में, भैया इस बार का युद्ध जो है वो फाइनल होने वाला है ऐसा लग रहा है, यानी कि भैया कई सारे घटनाओं का बदला लेने के लिए तैयार हैं कालीन भैया। उनकी आंखों में जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, जो उनकी आंखों में शोले भड़कते हुए दिख रहे हैं ना, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई इस नव दंपति यानी कि भैया कालीन भैया की जो वाइफ है वो अब मिल चुकी हैं गुड्डू भैया से, और ये दोनों शेर और शेरनी की जोड़ी बना चुके हैं और ये कालीन भैया के साम्राज्य पर राज कर रहे हैं, तो कालीन भैया तो सभी गद्दारों से बदला लेंगे ना। कुछ ऐसा दिखाने का कोशिश किया गया है इस वेब सीरीज के टीजर के माध्यम से जो कि भैया लॉन्च होगी अगले महीने की 5 तारीख को भैया अमेज़न प्राइम पर। तो दोस्तों काफी जटिल है इस बार का कहानी और देखने में तो मजा आएगा यार मिर्जापुर का सीजन जो है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मॉर्निंग अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।